यस, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड हमारे आज है 21st लेक्चर। एंड 21st लेक्चर होने का मतलब होता है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ऐसे करते करते 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड वी होप के इन सभी लेक्चर के नोट्स जो है आपके बन चुके हैं, एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है सर वो आपके वेल रिवाइज जो है वो होंगे। सर 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 क्या हुआ? सर मैं ना न्यू स्टूडेंट हूँ, न्यू स्टूडेंट। अच्छा, तो सर मैं ना पहले के लेक्चर्स कहाँ से देखूँ? बेटा कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, आराम से जाओ सारे के सारे लेक्चर्स को देखो एंड आराम से अपनी पढ़ाई करो। जैसा ये क्या है, ये हमारी क्लास के नेम प्लस कैरेक्टर सैलून, कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना है बेटर रिटेंशन के लिए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे तो हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ को जो है वो देखो। एंड अगर कुछ भी न्यू चीज़ आपको मिलती है तो उससे अपने नोट्स को जो है वो अपडेट कर देना होता है। एंड साइमल्टेनियसली साथ में और स्टैटिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाओ, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूज में भी एड ऑन करते रहो। यस सर, रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशन होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फॉल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर आप लेट आते होते इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ सर? बेटा पंक्चुअलिटी को मेंटेन करो ना। अच्छा सर, फिर ठीक है सर। द मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। यस सर, प्लीज कीप योर माइक ऑफ, कैमरा ऑन वाइल ड्यूरिंग द लेक्चर, एंड अगर कभी भी आपको बोला जाए तो डिस्कशन के लिए आपको अपना माइक ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट हैं, यस सर, ये बताओ सबसे जरूरी बात कि बैकलॉग कहाँ से कंप्लीट करूँ? सब कुछ यूट्यूब पे है क्या सर? सब कुछ नहीं है यूट्यूब के पास, है ना। हाँ, सिर्फ हमारा एनवायरमेंट का जो कोर्स है ना, एनवायरमेंट का कोर्स, ये पर्टिकुलर एनवायरमेंट का कोर्स, हाँ ये कोर्स जो है वो सब यूट्यूब के ऊपर है। बाकी सारे के सारे लेक्चर्स 799 रुपीज में आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगा। सर कहाँ पे जाना है? इसके लिए जाना है www.meranaam.com के ऊपर। सर ये meranaam.com ऐसा कैसा? अरे मतलब मेरा नाम बाटा, www.sunillakhawat.com इसके ऊपर। ओके सर, तो सर आपने फ्री क्या बोला है? फ्री है हमारी लाइव क्लासेस। ओहो यस सर, लाइव क्लासेस आर टोटली फ्री, ना आज पैसा मांगा ना कल पैसा मांगेंगे, ना हम कभी कहेंगे कि इसके लिए पैसा दो। ओके सर, वेरी गुड सर। सर ना मेरे को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मेंबरशिप ले लो, मंथली ले लो, है ना, चेक करने के लिए कि कैसा है क्या नहीं है, है ना। पढ़ना है सर, 3 महीने में हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कोई बात नहीं, क्वार्टरली ले लो। सर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यस सर, ईयरली ले लो। चलो सर कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर, सर ईयरली का कोई बेनिफिट है क्या? ईयरली का बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर? आज अगर आप 600 and 999.24 रुपीज के अंदर ना अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हो, हाँ, तो इससे क्या फायदा हुआ सर? तो देखो आज तक हमने जितना पढ़ा, ओके, एंड आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे, ओ हो, यस सर, मतलब 1 साल में 2 साल का, ओ हो, वाह सर, ये मैथमेटिक्स तो हमें पता ही नहीं थी। यस, यही तो तुम्हें नहीं पता था। यस सर, सर इसमें ना अगर आप ऑप्शनल वगैरह लाओगे तो वो इंक्लूड होगा क्या? नहीं, ऑप्शनल इंक्लूड नहीं होगा, बट जीएस का हम जितना भी पोर्शन पढ़ रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड होगा। ओके सर, ये अच्छी बात कही सर आपने। यस सर, तो गुड टू गो। अब हम करते हैं शुरुआत हमारे पढ़ने की। आज ना सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरे आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी, सॉरी इकोलॉजी एनवायरमेंट। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी लास्ट क्लासेस के अंदर, हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को भी देख लिया था, एंड इसके साथ साथ हमने जितने भी आपके पास ये बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं इनको भी ना सर हमने समझ लिया था। यस सर, विद एग्जाम्पल जो है ना हमने समझ लिया था। एंड आज का हमारा मुद्दा होगा बायो जियो केमिकल साइकिल। सर इनसे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जी सर, आपको यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली जब इकोलॉजी के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 अगर इकोलॉजी के क्वेश्चन आए तो उनमें एक क्वेश्चन ना साइकिल से जरूर होगा। यस सर, इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, सॉरी सॉरी बायोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में जो है आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सर ये बायो जियो केमिकल बायोलॉजिकल नहीं सॉरी बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो है वो होते क्या है? ये देख रहे हो यहाँ पे CO2, हाँ सर, तो कुछ बना फिर वो कैसे अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल से किस तरीके से गुजर के खूब सारे कन्वर्जन होकर के वापस जो था वहीं पे वापस आना, ठीक है, इसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्लियर सभी को? चलो सर, सर ना किसी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, हाँ देख लो सर, चलो देख लेते हैं। सर मैं एनवायरनमेंट के लेक्चर सीरीज वाइज देख रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं,
तो मैं YouTube से अभी कर लूं कंटिन्यू? देखो एक बात होती है, पता है, अगर आप आज लाइव लेक्चर देखोगे ना, तो इसका फायदा क्या है पता है आपको, कि जब अगला लाइव लेक्चर होगा ना, तब आपके अंदर ना एक जील रहेगी कि अगले लाइव लेक्चर से पहले मुझे आज तक के सारे लाइव लेक्चर जितने भी हो गए वो कंप्लीट करना है ना। एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर और आप खूब सारा पढ़ोगे, ठीक है हिमांशी कपूर, ये एक एक माइंडसेट वाली बात करता रहा हूँ। आज आपने नहीं लिख रखा वो ठीक है, बट अगली बार जब लाइव लेक्चर होगा ना, उससे पहले आपके अंदर एक मन में रहेगा कि अगले लेक्चर से पहले मुझे सारे कंप्लीट करना है, तो आप इतना सारा पढ़ोगे, मतलब 20 लेक्चर, मतलब 20 घंटे आप पढ़ोगे यूट्यूब के ऊपर जाकर के। बट अगर आज आपने ये सोच लिया कि छोड़ो ना यार, रिकॉर्डेड करना है, यूट्यूब पे जाएगा ये भी, चलो यूट्यूब से ही कर लेंगे, तो मान के चलना ना आपने आज तक देखे हैं ना अगले लेक्चर तक देखोगे, क्योंकि फिर आप ऐसे बनाओगे डेली का एक लेक्चर देख लेंगे, हर 2 दिन में एक लेक्चर देख लेंगे, चलो शुरुआत से फिर से शुरू करते हैं, यही चलता रहेगा, है ना। तो हमेशा चीज वो करो जिसमें पुश ज्यादा मिले, ठीक है ना, जिसमें एक टारगेट मिले। आज आप लाइव लेक्चर करो, आपको सब समझ में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि पिछला समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ कोई लिंकेजेस नहीं है, सब वापस समझ में आएगा आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश एनवायरमेंट निकोलॉजी है ये, ठीक है ना। तो ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आराम से कंटिन्यू करो। ये देखो निंजा हथौड़ी कितने टाइम बाद लास्ट में अभी ज्वाइन किया है, पर सारे लेक्चर्स ले रही हूँ, डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, है ना। यस सर, जैसे तो तारीफ हो गई, सिमरन सिमरन नाम है ना आपका। अरे यार वो ये यूपीएससी एस्पायरेंट, और ये कौन, ये आप लोग प्लीज देखते हैं निंजा हथौड़ी, आप भी ना सही नाम रखे, आप अपना सही नाम था आप। आज मुझे दिन में एक ये भी करना था, इसको कॉल करके बताना था कि भाई कौन है ये, अपना नाम सही रखे। चलो तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो साइकिल क्या है, साइकिल देखो यही होता है, जैसे जीवन का साइकिल होता है ना, वैसे बायो जियो केमिकल का भी साइकिल होता है। जीवन का साइकिल मतलब, जीवन का साइकिल होता है मतलब तुम पैदा होते हो, हाँ सर, है ना, हम छोटे छोटे होते हो गए, फिर हम बड़े हुए, फिर हम ना सर और बड़े हो गए, हाँ, फिर सर सर हम इतने ही रहे, हाँ इतने ही रहे सर, बड़े नहीं रहे, अरे बेटा बड़ नहीं, तुम बढ़ते रहे हो, तुम्हारी हाइट वैसी रह गई, हाँ, फिर धीरे धीरे वापस सिकुड़ गए सर, लेट गए, हाँ सर, ये तो साइकिल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। साइकिल तो होता है जो शुरू होकर के कहीं जाकर के वापस अगर वहीं पे आ जाए, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। यस सर, जो कहीं शुरू होकर के अपनी फॉर्म्स को चेंज करके उसके बाद जब वापस एक जगह के ऊपर आता है, तो उसको हम कहते हैं साइकिल। सर फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये ना लाल समुंदर है। अच्छा सर, ओके सर, तो समंदर ही है, पानी है, पानी पानी, ठीक है सर, फिर क्या हुआ, फिर पानी के ऊपर यहाँ पे सूरज दिख रहा है, हाँ, फिर क्या हुआ सर, सूरज की किरण आई, ओके, फिर क्या हुआ, पानी के अंदर इवेपरेशन हुआ, यस सर, तो इवेपरेट हुआ, इवेपरेट होने के बाद क्या हुआ सर, घोर घने बादल बन गए। सर 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 मैं बताऊं कि आपको बादल कैसे बनता है, अरे मेरे को पता है तुमने पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तुम्हें बहुत आता है, हाँ, बट कोई बात नहीं, अभी बस ये समझो कि बादल है ना, यस सर, तो बादल बन गए, यस सर, फिर क्या हुआ, फिर हवा चली सर, बादल इधर जाएंगे, मुझे पता है सर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, अरे अपना फिजिकल ज्योग्राफी मत लगाओ यहाँ पे, ओके सर, बस देखो बादल बना, फिर क्या हुआ, पर बादल घूमने जाएगा, ओके, फिर क्या हुआ सर, फिर कहीं पे ठंडक होगी, कोई पहाड़ आएगा, उसे बादल टकराएगा, एंड टकराने के बाद यहाँ पे बादल फूट फूट के रो देगा, ओहो यस सर, सर बादल लड़की है क्या, फूट फूट के जैसे किसी से टकरा दिए, देखो रो जा रही है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, देखो वाटर में आ गया ना वापस, ओहो हाँ सर, वाटर था, वापस वाटर बन गया, यस, फिर क्या होगा, फिर देखो बहेगा, और बह करके वापस यहीं आ जाएगा, सर जो था वापस वही बन गया, यस, इसको कहते हैं साइकिल। सर एक और एग्जांपल दो, एक ना और एग्जांपल दो, चलो एक और एग्जांपल ले लो, ये क्या है सर, ये ना कोई बिंदु है, अरे बिंदु नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, अच्छा सर, फिर क्या हुआ सर, ये ना क्या है सर, ये जरूर पेड़ है, हाँ ये पेड़ है, फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ में ले ली, सर कैसे ले ली इसने, फोटोसिंथेसिस है ना, ओहो हाँ सर, यस, तो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ ने ले ली, फिर क्या हुआ सर, फिर यहाँ से वापस क्या देता है पता है ना तुमको पहले, हाँ सर, पेड़ जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए तो हमने पेड़ लगाए, अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता होता हम मरे ना लगाते, सब काट देते, बिल्डिंग बना देते, यस सर, फिर क्या हुआ, फिर ये तुम हो, यस सर, तुमने ऑक्सीजन ले ली, यस सर, इनहेल किया हमने ऑक्सीजन को, है ना, मैं सर वो कर रहा हूँ योगा आजकल, तो मैंने इनहेल किया ऑक्सीजन को, फिर क्या किया, फिर मैंने जब एक्सहेल किया तब आपने वापस क्या दे दिया, सीओ टू, सर सीओ टू नहीं दिया है वापस, तो बिंदु दे दिया बिंदु, ओहो सीओ टू ये वो, यस सर, तो सीओ टू जो है वापस, सर मतलब ये यहाँ से इधर गया, फॉर्म चेंज करी एंड यहाँ से वापस आ गया, तो ये क्या हुआ, साइकिल हुआ सर, साइकिल, यस, क्लियर सर, देखो तो बायो जियो केमिकल हम लोग साइकिल किसको बोलते हैं, जब कभी भी आपके पास फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, जैसे एनर्जी आपके पास होती है,
एनर्जी की फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म टू और अनदर फॉर्म, ठीक है, चेंज होती रहती है आपके पास, बट आफ्टर ऑल जब बंद करके आपके पास वापस सेम ही चीज आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं साइकिल का कंप्लीट होना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो बायो जियो केमिकल साइकिल सर किसको कहेंगे हम लोग? बायो जियो केमिकल साइकिल मेनली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। सर कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया नहीं। यस सर, मैंने आपको बताया ना साइकिल क्या होता है। यस सर, कोई भी न्यूट्रिएंट है जैसे कि पानी है, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि फास्फोरस है, जैसे कि सल्फर है, इन सभी का एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के घूम फिर करके वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाना, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर? जैसे कार्बन थी, कार्बन बहुत सारे पार्ट्स में मैं आपके पास कन्वर्ट होती रहेगी, कन्वर्ट हो करके वापस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना, इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर सभी को? वेरी सिंपल डेफिनेशन, डन। चलिए सर, तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो तरीका सर यही होगा। कैसा तरीका? पहले हम लोग सब कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे एंड फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ने के बाद भी हम लोग इनके नोट्स वगैरह जो वो देख लेंगे। यस सर। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल आपके पास होता है, बेसिकली ये जो है आपके पास दो तरीके का होता है, ठीक है सर? एक तो आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं गैशियस साइकिल, ठीक है? एक तो आपके पास होता है गैशियस साइकिल और एक जो है आपके पास मिलता है सेडिमेंटरी साइकिल, ठीक है? एक तो आपको गैशियस साइकिल मिल जाएगा और एक जो है आपको सेडिमेंटरी साइकिल जो है वो मिल जाता है। अब देखो, गैशियस साइकिल आपके पास कब होता है? जब कभी भी कोई भी चीज आपके पास जिसका रिजर्वायर, ये किसी के ऊपर बेसिक है कि उसका रिजर्वायर कहाँ पे, मेनली कहाँ पर जो है वो स्टक होकर के जो है वो बैठी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेनली मेन रिजर्वायर कहाँ पर है उसका? यस, मेन रिजर्वायर का है एटमोस्फेयर में। आपके पास सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एटमोस्फेयर में है। तो एटमोस्फेयर से आकर के वापस जब एटमोस्फेयर में मिल जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपके पास है गैशियस साइकिल। क्लियर? वो कैसा होगा? गैशियस साइकिल के अंदर जो है आपके पास होगा। एंड अगर कोई भी ऐसे ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके लिए अर्थ का जो क्रस्ट है वो उसका मेन रिजर्वायर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेडिमेंटरी साइकिल। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन आता है कार्बन साइकिल में ये चीजें होती है, फिर एक और पॉइंट उसमें लिख दिया जाएगा कि इट इज अ गैशियस साइकिल। अब वो सही है या नहीं है ये आपको जो है वो उसमें पहचानना होता है। तो गैशियस साइकिल कौन से होंगे? जिसके अंदर एटमोस्फियर या फिर हाइड्रोस्फियर, इवन हाइड्रोस्फियर भी, क्योंकि पानी के अंदर भी आप देखते हो ना थोड़ी थोड़ी बूंदे गैस की हो जाती है। यस yes? तो हाइड्रोस्फेयर भी आपके पास, तो हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर अगर ये दोनों ही आपके पास रिजर्वायर्स हैं उसके, जहां पर वो गैस, जहां पर वो जो भी न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज्यादा ट्रैप्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। क्योंकि पानी से भी अगर कुछ भी आना है तो वो गैस की फॉर्मेट में आपके पास पहले कन्वर्ट होकर के आएगा ना, जब इवेपोरेट होगा तो उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी इवेपोरेट हो जाते हैं आपके पास, या इवेपोरेशन के बाद ही वो आपके पास यहाँ पे बाहर आते हैं गैसियस, गैस बनने के प्रोसेस में। यस, इस तरीके से। और अगर अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोई दबा हुआ है, कोई मिनरल है, कोई न्यूट्रिएंट है, तो उसको हम लोग लेते हैं सेडिमेंटरी साइकिल्स में। क्लियर सभी को? दो पॉइंट अभी तक याद हो गए सर, एक गैसियस साइकिल है, एक साइकिल जो है सेडिमेंटरी साइकिल होता है। गैसियस साइकिल कौन सा होगा? जिसमें जो रिजर्वायर है, नोट्स देखो सारे लिखे हुए, आराम से यूट्यूब के ऊपर जाना, वापस लेक्चर को देखना और वहां से सारे नोट्स लिख लेना, सब लिखे हुए हैं आपके पास कि सर गैसियस साइकिल होता है, एक सेडिमेंटरी साइकिल होता है। गैसियस साइकिल ऐसा जिसमें या तो गैस, गैस के अंदर जो है रिजर्वायर होता है, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर साइकिल हो गया। सेडिमेंटरी साइकिल जिसमें अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो है वो सब कुछ होता है, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, रॉक साइकिल हो गया। सर रॉक साइकिल तो हमने पढ़ भी रखा है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने। तो जैसे रॉक साइकिल आपके पास हो गया, तो ये सारे आपके पास होते हैं गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल। तो सर टोटल कितने साइकिल हमको पढ़ने होते हैं? देखो, आपको वाटर का साइकिल पढ़ना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस एंड सल्फर, इन सभी के साइकिल से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने जो है वो होते हैं। क्लियर सर? तो इनमें से देखो वाटर का साइकिल तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। सर 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 पढ़ा दो ना सर प्लीज। बेटा अभी अभी तो पढ़ाया था मैंने तुमको, है कैसे तुम ऐसे मान सकते हो कि मैं तुम्हें कोई भी चीज पढ़ाऊंगा नहीं? अभी जब क्लास की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने वाटर का साइकिल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अरे हाँ सर, पढ़ा तो लिया था आपने कि इवेपोरेट होगा, बादल बनेगा, बादल घूमी घूमी करने जाएगा, वहां से वापस आएगा, है ना, बादल रो देगा, वहां से फिर जो है वापस चल के वापस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वाटर साइकिल हो गया। यस सर। सर टॉपिक भी खत्म हो गया? हाँ हो गया। ओके सर, नेक्स्ट आपके पास आते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। सर ये भी नहीं कराओगे ना, ये आपके लिए होमवर्क है। यस सर। तो तीन जो मेन साइकिल्स हैं यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फास्फोरस का साइकिल। यस सर। अच्छा, तो आप लोगों ने ना बचपन में जब 11th 12th पढ़ी थी, सर बचपन में छोड़ो सर, हम तो ना अभी भी 11th 12th ही पढ़ते हैं। अच्छा, वो एक अलग चीज है। तो जब बचपन में 11th 12th पढ़ी होगी ना, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा। सर हमने बहुत सारे लॉ पढ़े। कौन से? बिल्कुल स्कूल नहीं जाना है, घर वालों को ऐसे ऐसे अगर बात करने के लिए बोले तो अपने दोस्त के वो अपना पापा बना करके बात करा दो। जैसे अरे वो सारे लॉ नहीं। अच्छा, तो दूसरे लॉ किताबों में। अच्छा सर,
तो पढ़े होंगे सर, क्या पता सर, हमें तो याद नहीं। हाँ कोविड में निकल गया था हमारा तो 11th 12th। चलो कोई बात नहीं। तो आपने ना एक लॉ पढ़ा होगा, कौन सा लॉ, कि एनर्जी जो होती है ना सर, एनर्जी, हाँ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, है ना, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है एंड ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इसको जो है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा। तो ये लॉ तो तुमने यहाँ पे पढ़ा। दूसरा है ना, मैंने तुमको एक और लॉ पढ़ाया, क्या, कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, एनर्जी का फ्लो, हाँ सर, वो ना यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा, यूनिडायरेक्शनल होता है। सर ये कहाँ पढ़ा है सर, ये तो कंजर्वेशन में था ही नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ये तो था ही नहीं। बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन में नहीं था, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, यस सर। एंड इकोलॉजी में जब मैंने आप लोगों को ये ट्राइंगल्स पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि एनर्जी का जो फ्लो चलता है वो कैसा चलता है आपके पास, यस और नो, यस सर, यूनिडायरेक्शनल जो है वो होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मतलब सर जब एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है तो इसका न्यूट्रिएंट साइकिल से क्या लेना देना है, इसका न्यूट्रिएंट साइकिल से लेना देना ये है कि एनर्जी के फ्लो को क्या हमें साइकिल से रिलेट करना चाहिए क्या। तो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा बायो जियो केमिकल साइकिल की डेफिनेशन देखो, मैंने क्या बोला, कोई अगर अपना रूप बदल 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 करके वापस उसी फॉर्मेट में आ जा रहा है तो उसको हम साइकिल जो है वो कहते हैं, यस सर। बट एनर्जी फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल है, वो क्या वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ सकता है, नहीं सर, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। तो क्या हम उसको बोलेंगे, यस सोच के देखो क्या बोलेंगे, क्या मैं इतने सारे थॉट दे दूंगा ना आपको कि आप खुद ही घूम जाओगे, क्या बोलेंगे, यस, क्या एनर्जी साइक्लो को बायो जियो केमिकल साइकिल बोलेंगे। सोचना था ना, होमवर्क है आपके लिए, सोचना एक बार कि एनर्जी के साथ एनर्जी फ्लो को बायो जियो केमिकल साइकिल में जरा बोलेंगे। अरे न्यूट्रिएंट की बात है भैया, न्यूट्रिएंट्स के साइकिल देखना है हमें, यस सर। तो बात सिर्फ इतनी सी मेरे को आपको बतानी थी कि ये जो है आपके पास कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, कि एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज डिसिपेटेड एज हीट बट केमिकल एलिमेंट्स आर रिसाइकल्ड। सर मतलब देखो एनर्जी जो आपके पास होती है ना, हाँ वो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से ना आपके पास, ये प्लीज समझ लेना, ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर ना बहुत डिस्कशन चला था, यूपीएससी के एग्जाम में आ गया था, लोगों ने कहा गलत है गलत है गलत है, फिर इसका बारे में बताया गया था कि सही है सही है सही है। तो यहाँ से जब एनर्जी आपके पास आती है, यस सर, प्राइमरी किसके पास, सर प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर, यस सर, फिर ये कौन थे, कंज्यूमर, यस ये थे प्राइमरी कंज्यूमर। तो अगर यहाँ से 100 की आपके पास आई, इन्होंने 100 जो है वो कन्वर्ट कर ली, उसके बाद सर हमने पढ़ा है सर सिर्फ 10% एनर्जी जो है वही आपके पास ऊपर जाती है, 90% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यस सर। तो हीट की फॉर्म में जो है वो वापस आपके पास क्या है, डिसिपेट जो है वो जाती है। बट 10% तो आपके पास चली गई ना सर, उसका 10% और आगे जाएगी, बाकी जो है आपके पास वापस यहाँ पे जो है वो हीट जमे के जो अंदर जो है वो बन जाती है। बट जो केमिकल्स आपके पास होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन अपने रूप बदल 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 करके जब वापस आएगा तो वो कार्बन का कार्बन ही रहेगा, तभी हम उसको रिसाइकल्ड बोलेंगे कि हाँ हमारे पास कार्बन वापस आ गया, यस और नो। भाई हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जैसा होता है, उसके चाहे आप कितने ही रूप बदल दो, H2O बना दो, H2SO4 बना दो, कुछ भी बना दो आप, बट जब उसको सब कुछ तोड़ के अलग करोगे तो H जो है वो H ही रहेगा, एच के जितने वो आपके पास ऑर्बिट्स होने चाहिए, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होने चाहिए वो सारे उतने ही रहेंगे, यस और नो, समझ पा रहे हो ना आप, कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही डिफरेंस है। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे समझना है, इस चीज को है थोड़ा सा आपके पास। एंड एनर्जी फ्लो जो है वो आपके पास कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड जो बायो जियो केमिकल साइकिल है सर, इसकी कोई डायरेक्शन, देखो ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और ये बाई डायरेक्शनल भी जो है आपके पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइकिल, कैसा साइकिल है या क्या फ्लो हो रहा है, ये किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है वो आपके पास साइकिल फ्लो कर रहा है, इसको जो है हम लोग देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि सर ये यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा या किस तरीके का होगा। वैसे एनर्जी साइकिल को लेकर के डायरेक्शनल का क्वेश्चन आता है, बायो जियो केमिकल साइकिल को लेकर के कभी डायरेक्शन की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, कुत्ते को आदमी ने खा लिया और किसी आदमी के मन में आया कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वो वापस भी खा लेगा, तो एलिमेंट्स वापस भी इधर उधर जो है वो चले जा सकते हैं, है ना, जगीरा बन जाए कोई, है ना, कोई जगीरा बन जाए, बोले मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, जैसा तो बन जाए, तो बन जाए बन जाए, जैसा तो दोनों ही चीजें आपके पास हो सकती है। तो इस वजह से इनको लेकर के जो है आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। तो इस तरीके से आपके पास, तो पहली स्लाइड क्लियर है, यस सर, कि
बायोजियो साइकिल को किसको किसको कहते हैं, सर ये सब मत पढ़ाओ, बस ये है कि ये कोई एलिमेंट है, ये रूप बदल 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 करके अगर वापस यहीं पे आ जाता है तो इसको हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। टोटल कौन कौन से पढ़ना है सर, हमको कार्बन का पढ़ना है, नाइट्रोजन का पढ़ना है, फॉस्फोरस का पढ़ना है, सल्फर पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। यस सर। उसके बाद एनर्जी का फ्लो जो होता है एंड केमिकल एलिमेंट का फ्लो, सर ये तो फ्लो है, ये डिसिपेट होती है मगर ये सारे क्या होते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, एंड एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। बायोजियो केमिकल साइकिल्स कितने तरीके के होते हैं सर, दो तरीके के, गैसीय साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। प्लीज याद रखना यहाँ पर सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है। गैसीय साइकिल कब होगा, जब जो मेन रिजर्वायर है वो क्या है, गैस होगा। एंड सेडिमेंट्री साइकिल कब होगा, जब मेन रिजर्वायर जो है आपके पास क्या होगी, अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ के अंदर जो है आपके पास बहुत वो जो है जो भी एलिमेंट है, जो भी न्यूट्रिशन है वो आपके पास स्टोर्ड है। क्लियर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सर, कोयला कहाँ पे मिलता है, सर कोयला जमीन में मिलेगा, और कार्बन कहाँ पे मिलता है, सर कार्बन गैस में मिलेगी। क्लियर। तो कोयले का जो साइकिल होगा वो आपके पास कैसा होगा, सेडिमेंट्री साइकिल। सर प्रूव करो, देखो ये जमीन है, यस सर, फिर तुमने यहाँ पे जेसीबी लगा दी, जेसीबी लगा के तुमने खुदाई करा दी, एंड अंदर से जो है तुमने कोल निकाल लिया, ओके सर, फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, कोल है चल रहा है, ओके सर, फिर क्या हुआ, ये पेड़ है, हाँ तुमने उसको काट दिया, फिर क्या हुआ, फिर और भी बहुत सारी चीजें, ये पेड़ यहीं पे गिर गया, फिर है ना सदियों तक ये दबता रहा दबता रहा दबता रहा, नीचे जो है दब गया पूरा, उसके बाद जमीन की आग की वजह से ये जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो गया। यस सर, ये सभी को यस। तो वापस जो है आपके पास वापस कहाँ मिला, ये जमीन का था और जमीन में ही जाकर के मिल गया। तो ये चीज होती है। अब कोई ये मत कहना कि सर ये कोयला तो निकल गया और ये पेड़ तो दूसरा है, ये पेड़ यहाँ पे गया तो ये तो नया कोयला बन गया ना सर, ये तो कहाँ रिसाइकल हुआ, है ना, ये ऐसे वाले सवाल मत पूछना। क्लियर। यस सर, डन सभी को यहाँ तक। क्लियर। चलिए सर, तो एक एक करके जो है हम लोग साइकिल्स को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के कौन कौन से केमिकल साइकिल्स जो है वो बनते हैं। चलिए सर पढ़ते हैं, जस्ट वन सेकेंड मैम। तो ये आपके पास जो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स है वो होते हैं। चलिए बेस्ट सर, तो पहले जो है मैं सारी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा आराम से, उसके बाद सॉरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसके बाद फिर हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन साइकिल को, कि सर ये कार्बन साइकिल जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से चलता है। कार्बन साइकिल में देखो आपके पास क्या होता है कि ऑलमोस्ट आप जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हो, सबसे पहले तो इसका रिजर्वायर देखो कि ये कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे कहाँ पर है। तो सर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास होती है वो आपके पास एटमोस्फियर के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। बट आप देखते हो ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज्यादा सॉल्यूबल भी होती है। सर सॉल्यूबल मतलब देखोगे ना ओशियन के अंदर भी ना बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको यहाँ पे मिलने जो है डिजोल्व डिजोल्व तरीके से मिलता है, यानी ओशियन भी एक तरीके का बहुत बड़ा रिजर्वायर आपके पास होता है कार्बन का। यस सर। अच्छा आपने देखा है फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट, हाँ सर, सर बहुत सारा फॉरेस्ट होता है, यस बहुत सारा फॉरेस्ट होता है, यस सर, और बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होता है। फिर कभी कभी तुमने ये भी सुना होगा कि सर फॉरेस्ट के अंदर ना फायर लग जाती है, अरे हाँ सर, अमेजोन फॉरेस्ट फायर वगैरह इन सभी के बारे में ना हम लोगों ने सुन रखा है। और जब ये फॉरेस्ट के अंदर फायर लगती है ना तो धुआं 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 धुआं, अरे सर सर क्या मिला क्या मिला क्या मिला, CO2। सर फॉरेस्ट के अंदर फायर लगी तो CO2 मिला, सर कोई बात नहीं ना सर, क्या दिक्कत, क्या है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यूपीएससी को, मतलब वो क्वेश्चन पूछ लेती है कि फॉरेस्ट जो होते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वायर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। यस सर, क्या आंसर होगा, सर आंसर होगा यस। क्लियर, कि जो फॉरेस्ट आपके पास होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे रिजर्वायर्स जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। क्लियर सर। तो ये तो हमने देख लिया कि सर हमको ना फॉरेस्ट मिलता, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलती कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ मिल जाएगी, सर गैस में मिल जाएगी, फिर सर ओशन में मिल जाती है, ओशन में क्यों मिलती है, क्योंकि डिजोल्व होती है ना, सॉल्यूबल होती है वो इस वजह से, और उसके बाद सर फॉरेस्ट में भी जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाती है। तो ये तो हमने देख लिया कि सर कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पे। अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद हमको देखना है कि ये चीजें जो है वो आपके पास कन्वर्ट होती कैसी है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये है सर, ये क्या है, अरे ये बिंदु है, बिंदु, अरे बिंदु नहीं है सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हमको तो पता चल गया है, ओके। फिर क्या हुआ, फिर सर यहाँ पे एक पेड़ लगा दो, ओके। फिर क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ ना ले लेगा, अच्छा ऐसे ही मिलेगा क्या, सर ऐसे ही ले लेगा वो तो कोई आम का पेड़ थोड़ी ना जो ऐसे ही जाएगा और जो है वो ले लेगा सर, तो फिर मतलब ऐसे ही नहीं ले सकता। जो फोटोसिंथेसिस होती है ना उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर ना चमकता हुआ सूरज आपके पास होना ही होना चाहिए। ओहो ऐसा, यस
हमेशा ध्यान रखना, इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट वाली लाइन, क्या इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट, मतलब ये चोरी दिन दहाड़ होगी। क्लियर सभी को? सर 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 बिल्कुल उस बुर्रा डकैती की तरह। हाँ बुर्रा डकैती की तरह, हिस्ट्री पढ़ने वालों सबको याद आ गया होगा, बुर्रा डकैती। यस, कौन कौन थे वहां पे? उदयन बिहारी दास, यार नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? उदयन बिहारी दास, तो पुलिन बिहारी दास का नाम जो है आपको याद आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो ये दिन दहाड़े जो है वो चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। तो सूर्य का जो है आपके पास होना, सनलाइट की प्रेजेंस जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो जो जो ट्रीज या प्लांट्स आपके पास होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विल एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाई सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेट में। एंड सर फोटोसिंथेसिस करके जो है वो करेगा क्या? फोटोसिंथेसिस करके वो जो है अपने लिए, या देख लो जैसे कि प्लांट ने उसको ऑब्जर्व कर लिया है ना, प्लांट ने उसको ऑब्जर्व कर लिया। एंड प्लांट जो है आपके पास देखो, एक तो ये यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा एंड ह्यूमन ने उसको रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो ले लिया। क्या लिया? रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो ह्यूमन ने इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व किया। एंड रेस्पिरेशन का जो वापस आउटपुट होता है वो आपके पास क्या होता है? CO2। यस सर, मुबारक हो। मुबारक क्यों सर? गया था, यस सर, प्लांट ने लिया, ओके, फिर ऑक्सीजन रिलीज किया तो ह्यूमन ने रेस्पिरेट किया, एंड रेस्पिरेट करके कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो ले वापस रिलीज कर लिया। यस सर, तो ये हो गया सर कार्बन का साइकिल। ये सर, ये तो सिर्फ यही साइकिल हुआ। और मेरे को एक बात बताओ सर, आपको पता है क्या, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ना सर वेस्ट हो गई, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई नहीं। क्यों सर? कई बार क्या हुआ, आपने ना पेड़ बनाया, पेड़ ने खूब सारी ऑक्सीजन ले ली है ना, हाँ सर, एंड पेड़ वापस O2 देता इससे पहले, ये जो आदमी है ना जो रेस्पिरेशन में लेने वाला है, हाँ, ये गया और इसने इस पेड़ को काट ही दिया, ओके, फिर क्या हुआ, फिर ना ये पेड़ ना सर ऐसे हो गया। ओहो चलो, तो सर अब ना कैसे आएगी, अब कैसे आएगी, चलो कोई बात नहीं। तो अब जो है पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, यस सर, फिर क्या होगा, फिर ना यहाँ से एक बकरी जाएगी। ओहो यस सर, सर आपकी बकरी ऐसी होती है? हाँ मेरी बकरी ऐसी होती है। फिर बकरी जाएगी, वो इस पेड़ को जो है वो खा लेगी, मतलब अब इसको मिल गया फूड। अब फूड की फॉर्मेट में इसने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कंज्यूम कर लिया। यस, फूड है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद भी ये जब वापस रेस्पिरेट करेगी तो उसके बाद आपको वापस क्या मिल जाएगा? CO2 जो है वापस यहाँ पे आपके पास जो है वो मिल जाता है। तो एक तो आपके पास वापस ये तरीके का होता है, दूसरा तरीका आपके पास ये भी होता है कि मान लो अब इसने जो है वो खा लिया, इसने फूड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, भाई कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो गया पेड़ ने, ठीक है, ट्री ने उसको कन्वर्ट कर दिया, प्लांट ने उसको कन्वर्ट किया, उसको जो है फूड के फॉर्मेट में किसी भी स्पीसीज में जो है वो ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके एब्जॉर्प्शन के बाद जब कभी भी इसकी डेथ होगी, तो डेथ के बाद जब इसका जब इसकी डेथ हो जाएगी, इसके डेथ के बाद जब इसका डीकम्पोजिशन होगा, तब आपके पास वापस क्या होती है, जो CO2 है वो आपके पास एटमोस्फियर में वापस रिलीज हो जाती है। क्लियर सभी को? यस, तब वो भी क्या आपके पास वापस एटमोस्फियर के अंदर रिलीज हो जाती है। डन, तो हमारी बॉडी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके नहीं रखता, जैसे ही बनी उसको रिलीज कर देता है। चाहे आप जिंदा हो, आपने पेड़ का कुछ भी खाया, आपके अंदर ऑर्गेनिक फूड के फॉर्मेट में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गई, हम उसको रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो रिलीज कर देते हैं। एंड अगर मान लो थोड़ी बहुत बच गई, कभी भी हमारी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जब हम डीके होते हैं उस टाइम में भी, जब बॉडी डीके होने लगती है ना उस टाइम में भी, जब डीकम्पोजर्स उसको जो है वो खाते हैं ना, हमने पढ़ रखे हैं स्केवेंजर्स वगैरह हमने पढ़ रखे हैं ना, उस टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है आपकी। डन सभी को? यस, समझ आ रहा है हिमांशी कपूर? चलिए सर, तो सर हमने ना कितने सारे साइकिल्स जो है वो पढ़ लिए हैं, किस किस तरीके से जो है वो आपके पास कार्बन जो है वो जाती है। तो देखो, एक तो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, यस सर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिसाइकल हो जाती है, और आपने रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन भी जो है आपके पास एक तरीका है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड आपने पढ़ देखा है कि सर डीकम्पोजिशन भी जो है आपके पास यहाँ पे आता है। अब अगर आप साइकिल देखोगे तो ओवरऑल साइकिल किस तरीके से बनेगा कि सर ये है CO2, यस सर, यहाँ से पेड़ हमारे पास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ ही इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कन्वर्ट करके देगा। यस सर, अब उसके बाद देखो क्या क्या चीजें हो सकती है।
उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली ऑक्सीजन गई, एंड इस ऑक्सीजन को ह्यूमन वाया रेस्पिरेशन, किसके थ्रू, वाया रेस्पिरेशन आपके पास जो है वापस आपको एटमोस्फेयर के अंदर CO2 दे दे। ये क्या हो गया, ये हो गया सर साइकिल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद दूसरा वापस देखो, आपके पास हो सकता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एज एन फूड कोई भी स्पीसीज, लेट से ह्यूमन ही, इसको जो है वो कंज्यूम कर ले। कंज्यूम करने के बाद जो है वापस ये इसको वापस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ये कैसे कैसे कर सकता है, एज एन डेथ की फॉर्मेट में भी कर सकता है, या फिर रेस्पिरेशन के बाद भी जो है वो कर सकता है, यानी यानी सर इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन भी। तो इसके अंदर डीकम्पोजिशन के मैटर भी आपके पास आ जाती है। तो ये भी आपके पास हो गया इसका प्रोसेस नंबर 2, यानी एक और साइकिल है, दो साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके सर, फिर क्या हुआ, फिर देखो ये ना पेड़ जो है आपके पास, ये जो है वो आपके पास जो है वो ऐसे हो गया, यस सर, आपने काट दिया, आपने इस पेड़ की लकड़ियां निकाल दी खूब सारी, यस सर। फिर इन लकड़ियों का हम क्या करेंगे, इन लकड़ियों को जो है आप लेकर के गए कोई इंडस्ट्री में, जो है आप लेकर के चले गए, यस सर। सही, इंडस्ट्री में ना लकड़ी का हम क्या करेंगे, अरे बेटा भट्टी भट्टी होती है ना, हाँ तो चूल्हा वूल्हा जलाओगे, हाँ फिर कैसे चूल्हा वूल्हा जलता है, एंड इस चूल्हे से वापस आपके पास फ्लेम्स जो है वो निकलती है, तो यहाँ से भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस जो है एटमोसफेयर में अवेलेबल हो जाती है। मतलब ये क्या है, ये आपके पास हो गया सर स्टेप नंबर 3। क्लियर सभी को? तो तीन तरीके तो मैंने आपको यही बता दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग जरा किस किस तरीके से रिसाइकिल करते हैं। आप में से आधे लोगों ने बस ये सोचा होगा रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, दैट्स इट, है ना, यस। बट एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह देखो, आपको ओवरऑल सिनेरियो जो है आपके पास यहाँ पे जो वो पता होता है। अच्छा, जब कभी भी आप बायोमास, ठीक है, बायोमास को बर्न करते हो, उस टाइम भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यस, उस टाइम भी आपके पास, भाई अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कोई 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 भी गैस का ना कोई मॉलिक्यूल रह गया, स्टक हो गया वो कहीं पे, तो जब हम जलाया जाता है ना हमको, उस टाइम भी वो रिलीज हो जाती है ऑब्वियसली एयर में। तो ये भी एक तरीका है जो आपको लिखना है। अब आप नहीं लिखोगे ना कि सर मेरे को तो याद नहीं आया, मैं नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं, आप लिखो ना लिखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी दिन पूछ लेगा कि बायोमास को बर्न करने से, ठीक है, क्या ये भी एक प्रोसेस है कार्बन के साइकिल का, यस ये भी एक प्रोसेस है कार्बन के साइकिल का। क्लियर सभी को? यस। जब कभी भी आप फॉसिल फ्यूल्स आपके पास होते हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स को जब कभी भी आप बर्न करते हो, इनको यूज करते हो, तब भी आपके पास एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। तो एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे जाती है सर, रेस्पिरेशन के जो जाती है, डेथ मैटर रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन साइकिल 2 बन गया, फिर इंडस्ट्री के थ्रू थर्ड, ठीक है, बायोमास को बर्न करते हैं फोर्थ प्रोसेस, एंड फॉसिल फ्यूल्स के भी बर्निंग से जाती है, यानी पांच तरीके के साइकिल्स मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो बता दिए। क्लियर सभी को? यस। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग क्या करते हैं, साइकिल रिसाइकिल जो हम लोग करते रहते हैं, और ये होता है बायो कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास पूरा का पूरा साइकिल। डन सभी को? तो आपके पास ना यूपीएससी जो है वो पूछता रहता है कि फिर कार्बन का साइकिल जो है वो कैसे होता है। तो अब जब कभी भी आप देखते हो कि एटमोसफेयर से इट इज टेकन बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं विच ट्रेवल थ्रू फूड चेन, यहाँ से आपके पास वो फूड चेन में एंटर कर जाएगी, इन द एंड द कार्बन एटम्स आर रिलीज इन द रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे जो वो आ जाता है। फिर क्या होगा, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, अरे हाँ सर, इसीलिए तो हमको पता है कि ओशन इज बिग रिजर्वायर ऑफ CO2, सर ये तो पॉइंट पूरा का पूरा याद हो चुका है। फॉरेस्ट एक्ट एज द रिजर्वायर ऑफ CO2, कैसे, जब हमें पता है कि फॉरेस्ट फायर जब भी लगती है तब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, ह्यूज कार्बन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब सर कोयला हो गया, ऑयल हो गया, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर वेरियस कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस, व्हेन फैक्ट्रीज यूज दिस फ्यूल्स द कार्बन इज अगेन रिलीज बैक इन द एटमोसफेयर ड्यूरिंग कम्बशन। तो कम्बशन जो है आपके पास, ये भी जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर देता है, कार्बन जो है वापस आपके पास रिलीज करता है। अच्छा कम्बशन, चलो कोई बात नहीं, ये चीज है। अब स्टेप्स इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे कार्बन साइकिल में, तो सर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन। सर ना आप फालतू की चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैं फालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया ये कि विच आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल, ये है स्टेप नंबर ए, ये है बी और ये है सी, फिर ना वो देते हैं ऑप्शन, सॉरी इसको ना ऐसे करो, आपके पास ये क्वेश्चन आता है, फिर ये बोलते हैं ये 1, ये 2 और ये 3, फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है ए, ओनली 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व, बी ओनली 2 एंड 3 आर इन्वॉल्व, सी ऑल 1 एंड 2 एंड 3 आर इन्वॉल्व, डी ओनली 1। ठीक है,
आधे लोगों को आप में से डीकम्पोजिशन नहीं लगता, है ना? आधे लोग, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, जिन्होंने अभी पढ़ने से पहले, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डीकम्पोजिशन, अगर ये पढ़ने से पहले अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया होता तो आपके आंसर के अंदर डीकम्पोजिशन नहीं होता, ये सुनो, बट डीकम्पोजिशन जो है इट ऑल्सो रिलीजेस कार्बन बैक टू द एटमोस्फियर। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, गुड टू गो। चलिए सर, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है, तो फॉरेस्ट फायर जब कभी भी ये तरीके से आग वाग लग जाती है ना, तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी आपके पास रिलीज होती है, इसलिए इनको भी CO2 का फॉरेस्ट मतलब रिजर्वायर जो है वो बोल दिया आपके पास जाता है। तो इस तरीके से आपके पास कार्बन आती है कि सर फोटोसिंथेसिस में गए, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये जमीन में जो है वो चली गई, डेट डिकम्पोजिशन है ना, यहाँ पे दब गया है, यहाँ पे दब गया है, फिर हम इसको जो है वापस कभी भी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज के थ्रू जो है वापस आपके पास साइकिल हो जाता है ना, ये देखो ये प्लांट, ये जो एनिमल्स हैं ये लोग भी रेस्पिरेशन के थ्रू आपके पास लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड के, देखो अब जमीन में गई हुई ना वापस कैसे यूज होगी, जमीन में गई हुई में ना यहाँ पे पेड़ की रूट्स का काम होता है, रूट्स भी क्या करती है अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए भी हम, ठीक है, रूट रेस्पिरेशन जो है आपके पास यहाँ पे होता है, जिससे ऑर्गेनिक फूड, एक्चुअली प्लांट क्या है फूड की तरह काम करता है, ठीक है, तो वो फूड फिर ये लेंगे और फिर यहाँ से वापस रेस्पिरेशन के अंदर जो है आपके पास चला जाता है, तो इन इन तरीके से आपके पास कार्बन को जो है हम लोग यहाँ पे रिसाइकल जो है वो कर लेते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलिए उसके बाद ना आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सर ये एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो किसको बोलते हैं, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ATP बोला जाता है, ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो, ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या चीज जो है वो है, तो इसको लेकर के भी ना आपके पास जो है वो चीजें पूछी जाती रहती है। यस सर, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो सबसे पहले ना इसको समझना है कि सर ये है क्या, ये एक एनर्जी के कैरिंग मॉलिक्यूल जो है आपके पास, यहाँ पावर करेंसी जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो सारी की सारी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम के जो है वो अंदर पाया जाता है, इसको हम पावर करेंसी बोल दो, एनर्जी करेंसी बोल दो, जो भी करेंसी बोलो, ठीक है, किसकी, सेल की, तो सेल की एनर्जी करेंसी के बारे में जो हम लोग इसको जो है वो बोलते रहते हैं। तो सर ये बेसिकली करता क्या है, ये देखो ये मॉलिक्यूल है ना, ये एनर्जी को एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट करने के पास आपके पास काम आता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी जब कभी भी आपके पास यूज होती है, तो उसके लिए ना एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट आपके पास यहाँ पे मेन फंक्शन यही याद रखना है, बाकी तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो याद करने में ना बड़े दिक्कत आती है, तो अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया ना, तो मतलब यही है कि आपके बॉडी में सेल है, सेल को एनर्जी चाहिए, वो सेल को एक सेल से दूसरे सेल में उस तरीके से एनर्जी कौन कैसे कन्वर्ट होगी, ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की वजह से वो कन्वर्जन होता है। क्लियर, इस तरीके से जो है आपको इसको याद रखना है। तो एनर्जी के कैरिंग मॉलिक्यूल होता है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसी को हम एनर्जी करेंसी भी जो है आपके पास यहाँ पे बोलते हैं, इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप एडिनिन, ठीक है, शुगर वगैरह ये तो ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो ये मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं ये एनर्जी बायोजियो केमिकल प्रोसेस के अंदर एनर्जी को एक दूसरे, है ना, कुछ भी ये सब याद नहीं होगा, याद सिर्फ ये होगा कि सर एक सेल से दूसरे सेल में जब एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, इसको कैरी कौन करेगा सर, मतलब देखो ये एक सेल है, जैसा है ना, यहाँ पे मान लो एनर्जी है, अब चलो ऐसे नहीं समझोगे, घर में स्टोव होता है ना, गैस स्टोव, हाँ सर, गैस गैस, तो ये गैस का गोदाम हो गया, यस सर, और ये आपका घर हो गया, यस सर, तो गैस के गोदाम से सिलेंडर को आपके घर तक लाने के लिए एक ट्रक चाहिए ना, हाँ सर, तो इसी तरीके से एक सेल के अंदर एनर्जी है, यस सर, दूसरा सेल है, इसको एनर्जी चाहिए, तो इसको यहाँ से यहाँ पे कौन लेके जाएगा सर, ट्रक लेके जाएगा, अरे ट्रक नहीं होता है बॉडी के अंदर, यस सर, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्लियर, ATP मॉलिक्यूल, समझ आया सभी को? यस। चलिए सर, तो ये आपके पास होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फास्फोरस साइकिल, रेडी सब लोग? चलिए फास्फोरस साइकिल करते हैं। अब देखो फास्फोरस साइकिल को आप देखोगे ना, फास्फोरस आपको देखेगी कि सर सबसे पहले तो ये बताओ फास्फोरस ना हमारे काम किसके है, किस काम की जो है हमारे पास फास्फोरस साइकिल होती है, तो देखो एक तो जो हमारे बायोजियो केमिकल में आप देखते हो, जो भी हमारी मेम्ब्रेन वगैरह बनी हुई होती है ना, मेम्ब्रेन ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो सारी आपके पास फास्फोरस की बनी हुई होती है, न्यूक्लिक एसिड जो कि आपके पास बाद में अमोनिया वगैरह में इन सब में आपके पास काम आता है ना, यस सर, वो भी आपके पास फास्फोरस के लिए, फास्फोरस उसके लिए भी जो आपको यहाँ पे, सर आज क्रीम बार बार जा रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं ना, आप प्लीज अपना इंटरनेट जो है वो देखिए,
एंड सेल्युलर एनर्जी ट्रांसफर के लिए भी हमको फास्फोरस की जो जरूरत होती है। इसका जो मेन रिजर्वायर आपके पास है वो रॉक होता है ना, रॉक्स मतलब ये आपके पास कैसे आएगा, सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर आएगा है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके पास फास्फोरस जो है आपके पास बहुत ज्यादा मिली हुई जो है वो मिलती है आपके पास हमेशा। अब देखो अर्थ क्रस्ट से हम लोग ना फास्फोरस को जो है वो निकालेंगे कैसे, अर्थ क्रस्ट में अगर है तो सर हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो देखो निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल। हम लोगों ने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको बोलते हैं वेदरिंग। यस याद है कि नहीं यार? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने वेदरिंग पढ़ी है, जिसको नहीं याद है वो जाकर के लेक्चर से देखे और वापस से याद करे। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, किसी भी तरीके से इरोड होकर के टूटे और कुछ भी हो, ठीक है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो जब कभी भी मान लो जैसे वेदरिंग के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, किस तरीके से होती है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देख रखा है कि मान लो जैसे हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, कि कोई पत्थर है जो बार बार जो है ना कि गर्म हो रहा है फिर वापस ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है फिर ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, तो क्या करे जाएगा, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कोई चिड़िया आई, उसने वहां पे बीज बो दिया, ठीक है, कोई बीज डाल दिया। फिर बरसात आई, थोड़ी सी मिट्टी गई, वो बीज फूल गया, वहां पे पेड़ बना, पेड़ जैसे ही लगा तो वो पत्थर और ज्यादा टूट गया। यस, धीरे धीरे वो टूटता जाता है, हवा चलती है, थोड़ा थोड़ा आगे चलता जाएगा, है ना, मिट्टी से बन जाता है। तो ये रॉक साइकिल वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी। तो ये वेदरिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। तो जब वो रॉक टूटती है ना आपके पास, तो उसके अंदर जितनी भी फॉस्फेट वगैरह वो ट्रैप्ड होती है वो सब वहां से निकल जाती है, जितना भी फॉस्फोरस होता है वो सब वहां से। भाई जब रॉक टूटेगी तो उसके बाद बरसात के अंदर वहां से जब पानी बहेगा तो उसके अंदर भी पानी में मिल करके आपके पास फॉस्फोरस जो है वो निकल जाता है। क्लियर सभी को? यस। तो फॉस्फोरस वहां से निकल तो गया, अब सर वापस फॉस्फोरस वहां पे आएगा कैसे? क्लियर? यस। तो सबसे पहले तो क्या रखना है आपको याद, कि सर सबसे मेन रिजर्वायर जो रॉक का है, सॉरी फॉस्फोरस का है, वो कौन है? रॉक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद हो गया। दूसरा पॉइंट, रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस की फॉर्मेट में नहीं होता है, वो हमेशा फॉस्फेट की फॉर्मेट में होता है। किसमें होगा? फॉस्फेट की फॉर्मेट में। यस याद रह जाएगा, किसके अंदर होता है? फॉस्फेट की फॉर्मेट में जो है होता है। तो रॉक के अंदर जो फॉस्फोरस आपको मिलता है वो हमेशा फॉस्फेट की फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। अब इस क्या होगा, जब कभी भी इस रॉक की वेदरिंग होगी वो टूटेगी, टूटने के बाद उसके बाद में से जब लीचिंग वगैरह जब होती है तो वहां से वो डिजोल्व जो है आपके पास हो जाता है, और वापस आपके पास क्या जाता है भाई, पानी आएगा, पानी के थ्रू बह करके जाकर के मिलेगा तो मिट्टी में ही ना। यस। अब मिट्टी से वापस हम लोगों ने पूरा रॉक साइकिल अगर आप याद करोगे तो रॉक साइकिल से वापस मिट्टी के दब 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 जब मिट्टी वापस दबती है तो दबने के बाद उसका वापस रॉक बनना भी हमने देख रखा है। तो इस तरीके से वो साइकिल आपके पास जो वो क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। डन? यस। तो इसको थोड़ा सा बस इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे समझना होता है कि सर क्या होगा, कि सर मेन रिजर्वर आपके पास होता है रॉक, रॉक्स है फॉस्फोरस इन दी फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट, की फॉस्फेट की फॉर्मेट में होता है। अब ये कैसे निकलेगा, तो सर वेदरिंग ऑफ द रॉक, इससे जो है आपके पास यहाँ पे निकलता है, ड्यू टू द रेन इरोजन फॉस्फोरस इज वॉश्ड अवे इन द सॉइल एंड वाटर बॉडी, तो पानी में भी चला जाएगा एंड मिट्टी में भी जो है आपके पास चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में सर क्या हो गया, मिट्टी में तो चला गया, अब मिट्टी के पास जो है वो पेड़ लगा होता है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें इसको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यस। तो इट इज टेकन अवे बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट में तो आ गया, अब प्लांट को क्या करेगा, सर यहाँ पे एक बकरी आएगी, हाँ सर बकरी को ले आओ। यस, बकरी आई, बकरी ने क्या किया, बकरी ने सर फूड ले लिया, फूड ले लिया तो फॉस्फोरस कहाँ है, सर फॉस्फोरस है बकरी के पेट के अंदर। यस सर। फिर क्या होगा, तो एनिमल गेट इन द फ्रॉम द प्लांट, तो एनिमल को जो है मिल गया। अब एनिमल जो आपके पास होता है, यस सर, वो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करता है, हाँ ये तो है सर, या फिर उसकी डेथ वेथ जो है वो हो जाती है। यस। तो इसके बाद क्या होगा सर, डेथ का, डेड होने के बाद डेड बॉडी का, या फिर जो वेस्ट है, इन दोनों का ही डीकम्पोजिशन होता है सर। यस। एंड वाया दिस डीकम्पोजिशन ये आपके पास वापस क्या कर लेता है, फॉस्फेट की फॉर्मेट में वापस चला जाता है। अब फॉस्फेट में कैसे भाई डीकम्पोजिशन आपके पास कैसे होगा, इसके लिए आपके पास यहाँ पे लगते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके पास होते हैं ना, स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको वापस फॉस्फोरस के अंदर जो है वो वापस आपके पास कन्वर्ट जो है वो कर देते हैं। क्लियर सभी को? यस। तो साइकिल समझ आया ना आपके पास, किस तरीके से होगा सर, ये एक चट्टान है, कुछ कारणों से है ना, वेदरिंग के कुछ प्रोसेस की वजह से ये चट्टान टूट गई, फिर क्या हुआ, फिर बादल आया, बरसा, बर्स करके पानी का रेला चला, इस पानी के रेले के अंदर आपके पास यहाँ से फॉस्फोरस जो है वो आ जाता है। फिर क्या होता है सर, मिट्टी में मिल गया ये, हाँ मिट्टी के पास था पेड़,
यस सर, पेड़ की जड़ों ने जो है वो फॉस्फोरस खा लिया, फिर क्या हुआ, फिर सर ना यहाँ पे आई आपके पास एक बकरी। यस सर, सर बकरी पता नहीं कैसी बना दी आपने। यस सर, फिर जो है वो कोई यस सर बकरी आई, इसने ना सर इसको खा लिया, फिर क्या हुआ, फिर सर इससे या तो वेस्ट निकलेगा और या फिर जो है सर इसकी डेथ हो जाएगी। इसका डेड बॉडी का या फिर इसके वेस्ट का डीकम्पोजिशन होगा। यस सर, एंड इस डीकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इसके डीकम्पोजिशन में हेल्प भी करते हैं एंड इसको वापस फॉस्फेट के अंदर या फॉस्फोरस के अंदर जो वो कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर सभी को? तो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस। यस सर। अच्छा सर, फॉस्फेट से फॉस्फेट नहीं, हाँ, फॉस्फेट का साइकिल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस का साइकिल पढ़ रहे हैं। डन सभी को? यस, तो ये आपके पास होता है फॉस्फोरस। तो सर ना यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन पूछता है क्या? नहीं, यूपीएससी इतना आसान सवाल पूछता ही नहीं है। तो सर पढ़ाया क्यों आपने? क्योंकि यूपीएससी दूसरी चीज पूछता है। तो यूपीएससी क्या पूछता है? यूपीएससी पूछता है व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन फॉस्फोरस साइकिल एंड द कार्बन साइकिल। अब इसको आंसर करने के लिए आपके पास फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यस और नो? इसको आंसर करने के लिए आपके पास फॉस्फोरस साइकिल जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। यस सर, क्योंकि आसान है ना। यस, तो सोचो इन दोनों के अंदर ना सर क्या क्या अंतर निकले आपके पास, क्या क्या अंतर निकले। जैसे सबसे पहला अंतर कि सर जो कार्बन है उसका जो रिजर्वायर आपके पास होता है वो तो है एयर। यस, एंड जो फॉस्फोरस है उसका जो रिजर्वायर है वो आपके पास है सर रॉक। तो एक गैसियस साइकिल मिल गया, एक सेडिमेंट्री साइकिल हो गया। यस, डिफरेंस है, डिफरेंस आपको मिल गया सर। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइ ना कार्बन को जब हम देखा, इसके प्रोसेस के अंदर ना आपको रेस्पिरेशन मिलता है। यस, फॉस्फोरस साइकिल हमने पढ़ा, क्या आपको इसके अंदर कहीं पे भी रेस्पिरेशन का इन्वॉल्वमेंट मिला गया? नहीं सर। ये भी क्या है आपके पास, एक तरीके का अंतर है। यस यस और नो? ये चीज जो आपके पास होती है। अच्छा, जब बारिश आपके पास होती है ना, जब बारिश आपके पास होती है तब उस टाइम में ये मुझे सोच के बताओ कार्बन ज्यादा नीचे आएगी या फॉस्फोरस ज्यादा नीचे आएगा? अरे एयर के अंदर फॉस्फोरस का कहीं पे देखा क्या हमने इन्वॉल्वमेंट? नहीं ना, नहीं ना। तो इसके थ्रू आपके पास क्या होगा, कार्बन ज्यादा आएगा। यस, कार्बन ज्यादा आएगा। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट, एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें कि एटमॉस्फेरिक इनपुट ठीक है ऑफ कार्बन या ऑफ फॉस्फोरस, इस ऑफ फॉस्फोरस इज मच स्मॉलर देन कार्बन, ठीक है, वाया रेनफॉल। अब कौन सा इनपुट, मैं एटमॉस्फेरिक इनपुट की बात कर रहा हूं कि एटमॉस्फेयर से बहुत कम कार्बन बहुत कम फॉस्फोरस जो है वो आपके पास रेनफॉल के थ्रू आता है जमीन में। रेनफॉल की बात एटमॉस्फेयर से हुई, बट अगर रेनफॉल होने के बाद जमीन पे बहते हुए पानी की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस उसमें ज्यादा होगा या कार्बन ज्यादा होगा? Yes. वो तो पता करना पड़ेगा कि कौन सी चट्टान के ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा एटमॉस्फेयर से जब पानी नीचे आ रहा है उस टाइम उसमें कार्बन ज्यादा होगी या फॉस्फोरस ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? कार्बन ज्यादा होगा, है ना। बहते हुए पानी का कभी नहीं पूछेगा, बहते हुए पानी का कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, जब एटमॉस्फेयर से आ रही, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियर कट डिफरेंस बता सकते हैं क्योंकि सर एटमॉस्फेयर में हमें फॉस्फोरस नहीं दिखी नहीं दिए। यस, बहुत कम है तो भी, बट कार्बन तो है काफी ज्यादा है। यस सर, तो इस तरीके से आपकी आंसरिंग जो है वो करनी है सर ना। ये सब हमको कैसे याद रहेंगे सर? अरे याद नहीं रहेंगे तो लिख लो, देख लो ये मैंने ले रखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, द फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड अ गैसियस फेज, ओहो, वेयर इज द कार्बन साइकिल डज, द फॉस्फोरस साइकिल इंक्लूड अ सॉलिड फेज वेर इज द कार्बन साइकिल डज नॉट, ओहो ये भी बात है सर। द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल इज द एटमोसफियर वेर इज द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द कार्बन साइकिल इज रॉक।
सर गलत लिख दिया ये। हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ना, ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल इज द एटमोसफियर। नहीं, इज द रॉक। ठीक है ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। वेयर इज द प्रायमरी रिजर्वायर ऑफ द कार्बन इज, है ना, ये एटमोसफियर आप लिख सकते हो। ठीक है ये चीज है। गैसियस एक्सचेंज ऑफ द फॉस्फोरस बिटवीन प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म इज नेग्लिजिबल, ये है ही नहीं। यस ये है ही नहीं। और एक और पॉइंट इसके अंदर क्या ऐड कर लेना है आपको कि सर एटमॉस्फेयर में रेनफॉल के थ्रू आपके पास क्या चीज ज्यादा आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। डन। तो ये सारे आपके पास डिफरेंसेस हो जाते हैं बिटवीन कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। डन सभी को यहाँ तक? यस चलिए गुड टू गो। तो अभी हमको एक और साइकिल पढ़ना है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। बट नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, रटने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है तो उसको पढ़ने के लिए कम से कम हमको आधा घंटा तो जो है वो चाहिए। मैं उसको उसी लेक्चर में ही जो याद करवाऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली कार्बन और फॉस्फोरस से इतना क्वेश्चन नहीं आता जितना क्वेश्चन आपके पास नाइट्रोजन से जो है वो आता है। उसको हम लोग सेपरेट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट की क्लास 1 घंटे ही करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ एंड